5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था तो पाकिस्तान की संसद में जूते चप्पल चल गए थे। लेकिन आज इस खबर के बाद तो पाकिस्तानी संसद में भूचाल आ चुका होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के धारा 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया है और अब जम्मू कश्मीर विशेष राज्य नहीं बल्कि भारत के बाकी राज्यों की तरह एक आम राज्य होगा। साल 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा के उसे टेम्परेरी तौर पे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, जिसे कई विरोधियों ने कोर्ट में चैलेंज किया था। पर अब 4 साल बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के फैसले को एकदम जायज बताते हुए कहा कि धारा 370 अस्थायी थी और उसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार सितंबर 2024 तक वहां चुनाव करवाए और उसे केंद्र शासित प्रदेश से एक राज्य बना दे। धारा 370 हटाने में कोई भी दुर्भावना नहीं थी और भारत का एक अभिन्न हिस्सा होने की वजह से जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है, ये भारत का ही एक राज्य है। गाइस, अब लग रहा है कि वाकई कश्मीर भारत का एक स्वर्ग बनकर रहेगा और पड़ोसी देखते रह जाएंगे। सामने पाकिस्तान की खून की प्यासी सेना खड़ी थी और हमारे भारत माता के कई सपूत घायल हो चुके थे और कुछ वीर गति को प्राप्त हो गए थे और गोलियां भी खत्म होने वाली थी। लेकिन इसके बावजूद भी भारत माता के एक जाबाज बेटे ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि करीब 7,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने पड़े। देखिए, बात उन दिनों की है जब 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण हरोलिकल गोरखा रेजिमेंट की कमान संभाल रहे थे। उनके नेतृत्व में गोरखा रेजिमेंट सिलहट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन सिलहट पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानियों ने सिलहट से जोड़ने वाले पुल को उड़ा दिया, जिसके चलते गोरखा रेजिमेंट को वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। पर जैसे ही वायुसेना की मदद से जवानों को सिलहट तक पहुंचाया गया, तभी पाकिस्तानी सेना ने धुआंधार गोलीबारी कर दी, जिसमें कई जवान घायल हो गए और कुछ शहीद हो गए। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण ने हार नहीं मानी और वो दुगने जोश के साथ दुश्मन से भिड़ गए। 7 दिनों तक चले इस युद्ध के अंत में पाकिस्तानी सेना के करीब 7,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान में कुल 428 मंदिर थे, लेकिन धीरे धीरे इन मंदिरों को ढहाया जाने लगा। पिछले साल ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 3 से 4 मंदिर ढहा दिए गए। इस साल भी अब तक 2 मंदिरों को गिराया जा चुका है। इस तरह से पिछले 70 सालों में पाकिस्तान 409 प्राचीन मंदिरों का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म कर चुका है। कुछ मंदिरों को तोड़ दिया गया है, जबकि कुछ मंदिरों की जगह पर होटल, मदरसे, सरकारी स्कूल, मिठाई की दुकानें और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। अभी जुलाई 2023 में कराची में बने 150 साल पुराने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ दिया गया। आधी रात में जब सब सो रहे थे तो पाकिस्तान की सरकार के इशारे पर प्रशासन ने हिंदुओं का 150 साल पुराना मंदिर ही ढहा दिया। यहां तक कि ये बात भी सामने आई है कि इसके फर्जी दस्तावेज बनाकर मंदिर की जमीन पहले ही बिल्डर को दे दी गई थी। पाकिस्तान में अब सिर्फ 19 मंदिर ही बचे हैं। जिस तेजी से वहां पर मंदिरों को गिराया जा रहा है, इससे ये साफ है कि जल्दी बाकी बचे मंदिरों का भी अस्तित्व नहीं बचेगा। ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, पर इसके बारे में सेक्युलरिज्म का राग लापने वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपने भारत के बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? गाइस, वैसे तो बरमूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अटलांटिक महासागर में मौजूद है, लेकिन भारत में भी एक ऐसी रहस्यमय जगह है जिसे बरमूडा ट्रायंगल मान सकते हैं। कहाँ ये जगह, चलिए जानते हैं। दरअसल पिछले 74 सालों से पश्चिम बंगाल में बांकुरा के पास पियरबोड़ा से लेकर झारखंड में चाकुलिया और उड़ीसा में अमरदा रोड एयरफील्ड तक के ट्रायंगुलर क्षेत्र में आजादी से पहले से लेकर आज तक 25 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। साल 1944 में एक अमेरिकी हवाई जहाज यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन इस त्रिकोणीय क्षेत्र के पास आते ही अचानक हवाई जहाज का कंट्रोल छूट गया और वो दूसरे हवाई जहाज से टकरा गया। इस हादसे के बाद भी यहाँ कई प्लेन गुम हो जाने के मामले सामने आए थे और आखिरी बार साल 2018 में एक प्लेन इस क्षेत्र में क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट बच गया। पायलट का ये कहना था कि इस क्षेत्र में आते ही हवाएं तेज हो जाती हैं और विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक भारत के बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आप जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।